देखिए, जेल में जो घटनाओं की बात का जिक्र आप कर रहे हैं, तो 2017 में जब हम सरकार पे आए थे तो उस समय भी हम लोगों ने एक उत्तर प्रदेश में वादा किया था कि भयमुक्त समाज की स्थापना करेंगे और गुंडा राज को समाप्त करेंगे। जहाँ गुंडा राज समाप्त करने की बात, जब अपराधियों की बात आती है तो जेल का काम शुरू हो जाता है। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने का पूरा प्रयास किया। अब उस नेटवर्क में मान लिया कि कोई उन्नाव का बड़ा अपराधी है तो हम लोगों ने उसे पूर्वांचल भेज दिया, अगर पूर्वांचल का है तो उसे पश्चिम भेज दिया, उत्तर का है तो दक्षिण में भेज दिया। अब कोई झांसी का अपराधी है तो कहा उसे सिद्धार्थनगर भेज दें। उनका नेटवर्क तोड़ने का प्रयास किया। अब जो भी घटनाएं हैं गैंग हो जाती हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जेल विभाग की कभी कोई भूमिका नहीं रही। जो भी घटनाएं हुई जेल के अंदर उसकी हमने जांच कराई और जांच करा के बागपत में भी की घटना में भी हम लोगों ने उसमें जो भी कर्मचारी दोषी पाए गए उन्हें नौकरी से भी बर्खास्त किया, सस्पेंड करना, कार्रवाई करना विभाग के अलावा हम लोगों ने किया है। लेकिन कानून का राज स्थापित हो ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि कानून का राज स्थापित हो, और मुझे लगता है मंत्रिमंडल के सभी लोग लगे हैं, सभी विधायक लगे हैं, संगठन लगा है, लोग लगे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित हो।